शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कोई भी कंपनी किसी के ज्वाइन करने से पहले अपने एम्प्लॉय को ना एक रुपया नहीं देती है, तो फिर अभय को इतना बड़ा एडवांस कैसे दे दिया? समझ नहीं आ रहा है मुझे, अभय के पास इतने पैसे आए कहाँ से? भाभी जी कह तो ठीक है, पता करता हूँ इस चवन्नी छाप के जेब में अचानक चांदी के सिक्के कैसे बरसने लगे। आरती कहीं अभय फिर से जुआ तो नहीं खेलने लग गए? संभाल लेंगे हम अपना काम वरुण जी, आपको ना हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अरे हम थक गए इस बार बार के सवाल से, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, रात को क्यों जा रही हो, त्योहार है क्यों जा रही हो। वरुण जी आपके काम में और हमारे काम में ना फर्क है, आपका जब दिल करे आप छुट्टी लेके घर पे बैठ सकते हैं, पर हम नहीं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। चिल्लाओ मत, जिम्मेदारियां मुझ पे भी हैं कीर्ति, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों का शोर नहीं मचाता हूँ, ढिंढोरा नहीं पीटता हूँ उनका। तुम्हें क्या लगता है तुम ये वर्दी पहन के जाती हो तो बहुत काम करती हो, बहुत मेहनत करती हो, और मैं सादे कपड़ों में ऑफिस जाता हूँ तो वहां पे हवा खाता हूँ, ये कुर्सियां तोड़ता हूँ मैं। तुम जो करती हो वो महान काम होगा, लेकिन मैं जो करता हूँ ना मेहनत उसमें भी लगती है। वरुण जी हम कहाँ कह रहे हैं कि आपके काम में मेहनत नहीं, हमने ऐसा कहा क्या? नहीं ना, फिर आप क्यों बात का बतंगर बना रहे हैं? मैं बना रहा हूँ हाँ मैं ही बना रहूंगा, क्योंकि तुम कहाँ कुछ कहती हो, तुम तो बस जताती रहती हो। वरुण जी अब हम वो पुरानी वाली कीर्ति नहीं रहे, हमारे लिए हमारा काम बहुत जरूरी है, आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा? यही फर्क है तुम में और मुझमें, मेरे लिए भी मेरा काम जरूरी है, लेकिन काम के साथ साथ मेरे लिए मेरा परिवार, मेरे रिश्ते, वो भी जरूरी है। तो क्या हमारे लिए नहीं है? हम नहीं है कीर्ति, क्योंकि कीर्ति के लिए हमेशा सबसे ज्यादा जरूरी कीर्ति ही रही है। अगर तुम्हें हमारे परिवार की जरा सी भी चिंता होती ना, मेरी जरा सी भी चिंता होती, तो कम से कम तुम एक फोन करके बता सकती थी कि तुम रात को घर नहीं आ पाओगी। अगर हम काम में नहीं फंसे होते ना वरुण जी, तो हम घर ही आते, और नहीं कर पाए फोन तो आप कर लेते ना फोन, आपको इतनी फिक्र हो रही थी हमारी, आपने क्यों नहीं किया? अरे कीर्ति फोन किसने किया किसने नहीं किया ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है रिश्ता, रिश्ते को टूटने में पल भर की देरी नहीं लगती, लेकिन रिश्ते को बनाए रखने में मेहनत लगती है। यहाँ पे ये उम्मीद ना बस हमसे है दीदू, हम जरा सा काम में क्या फंस गए, फोन करना क्या भूले यहाँ का। रहने दो श्रद्धा, ये ऐसी आज घर वालों को फोन करना भूल गई है, हो सकता है शायद घर वालों को ही भूल जाए कल। भाई तू ये क्या बोल रहे हैं, भाभी घूमने फिरने नहीं गई थी, काम पे थी, बेचारी थकी मंदी घर आई है, तू आराम करने दो उन्हें, उल्टा लड़ाई कर रहा उनसे। हाँ वरुण अभय बिल्कुल ठीक कह रहे, कीर्ति थकी हुई है, आराम करने दीजिए उनको, और अगर पति पत्नी के बीच में मतभेद होता भी है तो उसे शांति से बात करके सुलझाइए। हमेशा यही होता है मम्मी, बात चाहे कुछ भी हो अंत में हमेशा मैं ही गलत होता हूँ ना, क्योंकि कीर्ति तो देवी है, देवी। अभी जी समस्या ये है कि मेरा भाई ना एक नंबर का गधा है, चिंता है उसको आपकी, और ये तरीका है उसका चिंता दिखाने का, आप जाके आराम कीजिए मैं बात करता हूँ उससे। हाँ हम सब मिलकर वरुण जी से बात करेंगे। ताई जी आप फिक्र मत कीजिए, एक बार कीर्ति का गुस्सा ठंडा होने दीजिए, मैं खुद जाकर बात करूंगी उससे। जब भी वरुण और कीर्ति के रिश्ते में दरार आती, आप दोनों मिलकर उनकी नैया पार लगाते। शुक्रिया। हर बार मतलब ऐसा पहले भी हुआ है? अपनी बहन से कब तक छुपाओगी? क्योंकि एक ना एक दिन वरुण उसे छोड़ ही देगा। नहीं अभय,
वरुण जी और कीर्ति का रिश्ता नहीं टूट सकता। ये क्या हो रहा मेरे साथ? फिर वही धुंधले चेहरे, ये साफ क्यों नहीं होते? कब होंगे साफ? कब होंगे? मम्मी, मम्मी अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। ये धुंधले चेहरे ना मुझे पागल कर देंगे। अभय, तुम पहले मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि इन धुंधली हाथों का मतलब क्या है? दिमाग का एक ऐसा कोना है जो बंद हो चुका है। अब दिमाग उसे खोलने की कोशिश कर रहा है और जब वो खुल जाएगा ना तुम्हें सब याद आ जाएगा। रोशनी, जब भी मेरे दिल में बेचैनी हो, दिमाग में उलझन होती है तो तुम आ जाती हो, सब ठीक कर देती हो। जब भी दिल से मुझे किसी की जरूरत होती है तो तुम आ जाती हो। डॉक्टर रोशनी, आप कॉफी पीएंगे? नहीं थैंक यू। अरे हाँ, आपको तो अर्जेंटली अपने दूसरे पेशेंट्स के पास जाना होगा ना, तो आपको कहीं देर ना हो जाए इसलिए आप अभय को दवाई दे दीजिए, उसके बाद आप चाहिए। ये क्यों जाएगी, तुम जाओ। रोशनी, एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। प्लीज अब इसे देखिए, मत बोलना कि तुम ले नहीं सकती हो। ये बहुत महंगा है, मैं सच में नहीं ले सकती हूँ। इतने प्यार से तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आए हैं वो तुम कह रही हो महंगा लग रहा है, ये ठीक है क्या? उसे क्या दिख रही हो, तुम्हारे लिए लेकर आए हूँ। थैंक यू। कुछ ठीक नहीं हो रहा है माता रानी, ये किस जाल में फंसते जा रहे हैं? अभय को पहले का तो कुछ याद नहीं है और अब वो लगे नई यादें बनाने में। अचानक कैसे गिरा? ये भगवान की फोटो तो टूट भी गई है। कुछ ठीक नहीं हो रहा, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। श्रद्धा, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो कि मैंने अभी को अभी तक मना क्यों नहीं किया है। असल में मैं उसको बोलने ही वाली थी लेकिन उसने अचानक से मुझे ये ब्रेसलेट पहना दिया और वो इतना खुश था कि मैं उसे रोका नहीं और मैं कुछ नहीं बोल पाई। श्रद्धा, मुझे बस थोड़ा वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं इस मुश्किल को सुलझा दूंगी।
जानती हूँ। श्रद्धा, अभय को मैंने दवाई दे दी है, मैं चलती हूँ। एक बात समझ नहीं आ रही, ये अभय के पास इतने पैसे आखिर आ कहाँ से रहे? और वो पार्सल, उसमें ऐसा क्या था जो अभय हमसे छुपा रहे थे? पता करना होगा। क्या चल रहा है आपके मन में अभय, मुझे जानना होगा। अरे ये अभय रात को फिर से कहाँ भाग रहे? ये इनके रोज रात का क्या नया शुरू हो गया? वो भी सबसे छुप छुपा कर। हाँ सर, हम बस पहुंच ही रहे हैं। कल वो बच के निकल गए थे पर आज नहीं निकल पाएंगे। हाँ सर जी, चलो। अब्बर शहर के आएंगे। कीर्ति की नौकरी इतने खतरों से भरी, उसकी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन ये तो कर सकता हूँ कि रात को अकेले ना पड़े। चले गए अबे, मैं जल्दी वो पता नहीं कहाँ चले गए उन्हीं के। अब हुआ असली तमाशा शुरू। लोगों का माल लूट कर इन चोरों ने अपने गोदाम भर लिए। अब हम करेंगे इन चोरों के घर पे चोरी, इनका माल चुरा कर लोगों में बांटेंगे। राजा। हाँ भाई। तोड़ दो ताला। एक बैकअप टीम भेजो वहां पे जल्दी। हाँ जल्दी चलो, इंफॉर्मेशन मिली है कि गोदाउन में चोरी हो रही, हमें जल्दी पहुंचना है वरना वो लोग निकल जाएंगे। जल्दी चलाओ फास्ट। सबको लेके निकल, मैं पुलिस से संभालता हूँ। नहीं सर अभय, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना। मैंने बोला ना निकल, मैं देख लूंगा। बब्बर शेर गैंग का राज खोलने के लिए इसे जिंदा पकड़ना होगा। इसको मैं संभालती हूँ, बाकी को पकड़ो। Oh!
बताया तुमने, पर हमने पकड़ ही लिया। कीर्ति वो मैं आपको पता है ये तो अभय है। माफ कीजिएगा, ये तुम यहाँ क्या कर रही है? हम बब्बर शेर गैंग के एक आदमी का पीछा करते करते यहाँ पहुंचे, और जब देखा तो हमें लगा शायद वो अभय था। कीर्ति तेरा दिमाग खराब हो गया है? बिना सोचे समझे कुछ भी कही जा रही है क्या तू? हर जगह हर चीज में मुझे वही गैंग के मेंबर्स दिख रहे हैं क्या? और अभय ऐसी चोरी चकारी क्यों करेंगे? तूने उसका चेहरा ठीक से देखा भी या खुद से ही बना दिया कि वो अभय है? दीदू माना हमने सामने से उसे नहीं देखा, पर हमने ना उसका साइड प्रोफाइल देखा है, और हम कह रहे हैं आपको वो अभय ही था। हम झूठ क्यों बोलेंगे? कीर्ति जानती होगी तो झूठ नहीं कहेगी, लेकिन ये भी तो सच है ना कि तेरे ऊपर उन गैंग मेंबर्स को पकड़ने का बहुत बड़ा दबाव है। दिन रात सुबह शाम भूखे प्यासे तू उन्हीं को पकड़ने में लगी रहती है, और अब तो तुमने किसी को भी देखा, तुझे वहम हुआ और तूने उसको अभय बना दिया। हो क्या गया तुझे कीर्ति? हम बस पकड़ ही लेते उसे आज की, फिर से वो हमारे हाथ से निकल गया। एक बार फिर मैडम किराएदार बिना मेरी इजाजत के मेरे कमरे में, बहुत हो गया। मेरे घर वालों के दम पे इतना उछलती हो ना तुम, अब देखो उनके सामने कैसे तुम्हें उठा के। हाँ तो बुलाइए ना सबको, उन्हीं के सामने बता दीजिए, मैं भी तो जानू रोज इतनी रात को आप कहाँ पे जाते हैं। मतलब अब तुम कुछ भी बोलोगी और मैं, तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आई। सवाल पहले मैंने पूछा है आपसे, इसीलिए मकान मालिक साहब पहले आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, उसके बाद अपना कोई सवाल पूछेंगे। अरे कितनी बार एक ही सवाल करती रहोगी? 5 बार 10 बार 100 बार तुम्हारे लिए हमेशा मैं ही क्यों गलत होने लगा? कीर्ति मैं जानता हूँ कि तुम्हारा काम कितना खतरनाक है, फिक्र होती है तुम्हारी, इसलिए तुम्हारे पीछे आया यहाँ। चाहे कितना भी लड़ ले कीर्ति, सिर्फ घर तो कम नहीं हो जाता ना कीर्ति? तुम्हारे केसेस के बारे में सुनता हूँ, अखबारों में खतरों के बारे में पढ़ता हूँ, तो सांसें रुक जाती है हमें। यही सोचता रहता हूँ कि कहीं किसी दिन कोई तुम्हें कुछ कर। अरुण जी हम समझते हैं, पर आपको हम पे इतना भरोसा रखना पड़ेगा, ये हमारा काम है, और आपका इस तरह हमारे पीछे आना गलत है। गलत क्या है सही क्या है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम मेरी लगती क्या हो जो मैं तुम्हें जवाब दूं कि मैं कहां गया था क्यों गया था? मैं कहीं भी जाऊं मेरी मर्जी, तुम इससे मतलब क्या है? मुझसे मतलब नहीं है, मतलब आप ही से है। आप भूल गए क्या आपका इलाज चल रहा है, दवाइयां चल रही है आपकी? अरे ऐसे में कुछ भी हो सकता है, दवाई का रिएक्शन हो गया तो फिर क्या करेंगे?
और ऐसे में आप क्या कर रहे हैं? बिना बताए घर में किसी को इतनी रात को अकेले कहीं चले जा रहे हैं? ओ मैडम, अकेला नहीं हूँ मैं, पूरी गैंग है मेरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है मुझे। क्या क्या कहा आपने? वो मैं तुम्हें समझ में नहीं आएगा, वो हमारा बॉय गैंग है ना, और तुम लड़की हो, वो सिर्फ लड़कों को ही समझ में आएगा। हम ऐसे ही रात में थोड़ा घूमते हैं और मजे करते हैं। ओके अभय, आपकी सारी बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप बस मुझे इतना बताइए कि आप इतनी रात को कहाँ अकेले रहे थे? हाँ, कितनी रात हो गई ना, तुम थक गई होंगी, जाके सो जाओ। मुझे बताइए तो आप कहाँ गए थे अभय? मेरे ना वो, मुझे भी बहुत नींद आ रही, मेरी तो आंखें बंद हो रही है। ओके गुड नाइट। अभय कहाँ गए थे आप? ये अभय का बर्ताव इतना अजीब क्यों हो गया है? कुछ तो बात जरूर है जो अभय मुझसे छुपा रहे। ये मिट्टी कहां से आई? श्रद्धा, कैसी हो तुम? अभय, किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।